मेरठ उत्तर प्रदेश में आरिफ नाम का एक आदमी था, उसे एक घायल सारस मिला था, उसका एक पैर डैमेज था। आरिफ भाई उस सारस को उठाकर अपने घर लाते हैं, फिर उस सारस का मरहम पट्टी करके उसे जंगल छोड़ने जाते हैं, तो सारस उन्हें छोड़कर जाता ही नहीं, फिर वापस उनके पास चला आता है। उनके बीच एक प्रकार का फ्रेंडशिप हो गया था, दोस्ती हो गया था। सारस आरिफ भाई को छोड़कर जा ही नहीं रहा था। सारस और आरिफ भाई एक साथ रहने लगे। आरिफ भाई कहीं बाइक चलाकर जाते थे तो सारस उनके ऊपर ऊपर उड़ते हुए जाता था। सरकार को ये फ्रेंडशिप देखा नहीं गया, सरकार आरिफ भाई से उस सारस को छीन लेता है। सारस को लेने के लिए वनविभाग की टीम कब आई? कल आई थी लगभग 12 बजे करीब। पर इतना हम जानते थे जब इसको कैद करेंगे, हम बांध के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे कहीं आने, तब तो वो सवाल उठता है वन विभाग का। वो अपने स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला।